राम राम सभी, कैसे हैं सब लोग। गुड मॉर्निंग। अयोध्या के बाद में आज बहुत दिन बाद में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि तबीयत खराब थी और मैं कहीं गया भी नहीं था। बाकी घर में पड़ा हुआ था, घर वालों की गालियाँ खा रहा था रोज। आज मैं बिना गाली खाए बहुत जल्दी उठ भी चुका था। और आज हम जा रहे हैं, हमारे सिबुडॉन का प्रैक्टिकल है, 10th क्लास में है ये, इतने लंबे बच्चे, तो अभी इनका प्रैक्टिकल है। हम लोग जा रहे हैं अशोकनगर, फिर देखते हैं क्या होता है। यार आज तो धूप निकल रही, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है, इसका फोटो ले लो ऐसे करके। चलो भाई जाओ, लेट्स गो गाइस। सिबुडॉन आप तो भूत बन गए, चलो पीछे हो, चलते हैं। ये इसको पकड़ो, सर चश्मा लगा लें। चश्मा आ तेरी। ठंड तो इतनी लग रही है, मेरे हाथ और पैर जम चुके हैं, बाकी धूप निकल आई है और मेरे से गाड़ी नहीं चलाई जा रही। मैं घर से तो इतने जोश में निकला था कि जल्दी पहुंच जाएंगे हम, बाकी मेरे हाथ और पैर दोनों जम चुके हैं, तो मेरे से गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई जा रही। तो रहन दो फिर। इतनी तेज ठंड पड़ रही है आज, तो पता नहीं क्या हो गया यहाँ पे। अब्बा जो थे हमारे, वो फ्रिज खोल के चले गए थे, तो ठंडी बढ़ गई। कान में ले ले सॉरी। पेट्रोल पंप खत्म हो गया बैगन। बट हमारी किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी है कि पेट्रोल पंप सामने ही है, तो हम इसको धक्का मार के लेके चलते हैं। तो यार देख लो जल्दी, लेट में लेट हो रहा है हमको जल्दी पहुंचना है वहाँ इतने, और लेट हो रहा है हमारे बुडोन का प्रैक्टिकल है। और ये देखो हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था, और पेट्रोल पंप पास में ही है, तो मैं इसको धक्का मार के चल गया। होगा नहीं पेट्रोल होगा ना भैया, पेट्रोल कितना? अरे यार भैया 15-20 मिनट तो ज्यादा हो जाएंगे। गाड़ी को कर रही है क्या? हो गया गाइस देखो, मतलब किस्मत इतनी खराब है कि अभी पेट्रोल पंप चालू नहीं हो, भैया बोल रहे 15-20 मिनट लगेंगे। 15-20 मिनट में हमारा आधा रास्ता क्रॉस हो जाता, अब क्या करें हम बताओ। वेट करते हैं पेट्रोल पंप जब चालू होगा, जब तक पेट्रोल फिर डलवाएंगे हम लोग, फिर जाएंगे। ठंड अलग लग रही है गाइस। भैया आ गए तो जल्दी, और हमने पेट्रोल डलवा लिया, अब हम लोग निकलते हैं, क्योंकि अब बहुत लेट हो चुका है। 8:30 बजे हमारा, मतलब हमारे सिब्बू का एग्जाम है, और 7:30 तो अभी हो चुके हैं हमको, और इसको ड्रेस भी पहनी है, गधे ने नहाया तो है ही। बाकी हम लोग अब बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, फटाफट में गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ, मतलब गाड़ी बढ़ाता हूँ और वहाँ से जल्दी पहुँचते गाइस। ये गाड़ी वाला है, बड़े देर से मेरे मजे ले रहा है, मैं गाड़ी भगा नहीं रहा, पर ये मेरे को आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है। अभी मैं इसकी गांड मारता हूँ, भेंट के लोड़ेगी। माफ करना मैं जो तमीज तमीज से मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। देखो ये कुछ ज्यादा ही गाड़ी भगा रहा है, इसकी गांड मारूंगा, इतनी प्यार से मारूंगा ना गाड़ी, प्यार से इसके आगे से निकालूंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। भले ही इसकी गाड़ी बड़ी है, लेकिन फिर भी इसको पीछे इसकी गांड मारते हैं। गाइस उस बंदे को रेस हराने के बाद में हम अशोकनगर पहुंच चुके हैं। हमको कुछ ज्यादा टाइम भी लगा, क्योंकि हमने गाड़ी बहुत तेज लगाई, 40 मिनट लगे हमको, और गाड़ी हमने बहुत लगभग के लगाई है। अब मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई है, लड़खड़ा रही है पूरी की पूरी ठंड के कारण, क्योंकि मेरे हाथ पैर मुँह भी जाम हो गया इंजन तो, और मेरे से बोलते ही नहीं बन रही है। अब हम फाइनली पहुँच चुके हैं, अब मैं बुआ जी के उधर उतर जाऊंगा, और मैं इसको गाड़ी दे के ये स्कूल चले आएगा। चलो बाय बाय गाइस, बच्चे को बाय बाय बोल दिया, बच्चा चला गया एग्जाम देने, और मैं बुआ जी घर पे पहुंच चुका हूँ। गाइस मैंने सोचा मैं बुआ जी घर आया हूँ, तो पास में हेयर सलून है, तो मैंने सोचा मैं दाढ़ी थोड़ी बनवा लेता हूँ, थोड़ी सी स्मार्ट बन जाते हैं। तो मैं दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ, फिर देखते हैं अपन स्मार्ट बनते हैं नहीं है, देखते हैं स्मार्ट बनते हैं नहीं है। बाकी यहाँ के लोगों देखो बड़ी शांति है यार, यहाँ तो ऐसा लगता है मेरे को कि पता नहीं यहाँ कोई रहता भी है नहीं है, इतनी शांति 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 शांति। बात तो सही है,
सब दिन रूम पे पड़े पड़े नींद में सोते सोते अब रात हो गई, अब हम निकल रहे हैं और हम जा रहे हैं बाहर कुछ काम देखते हैं। ओ तेरी, अबे ये तो चप्पल ही टूट गई मेरी। ये तो बुरा हुआ मेरे साथ गाइस, बहुत ज्यादा बुरा हो गया, मेरी चप्पल ही टूट गई है। अब मैं पहले चप्पल सही करवाऊंगा उसके बाद जाऊंगा। जी बोलिए। तुम ब्लॉग बनाइए, मैं गाड़ी चलाऊंगा। नहीं मैं, हाँ ये बात तो सही है, तुम गाड़ी चलाओ सर जी, बट अच्छे से चलाना है ना। सो बुडोन गाड़ी अच्छे से चलाना गाइस, हम लोग एक्टिवा लेके जा रहे हैं। मेरे पास इसमें कुछ टी शर्ट और लोवर हैं जो कि हमको वो करने हैं, मतलब इनकी फिटिंग करवानी है और नॉर्मली सिलवाना है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। अब मेरी चप्पल टूट गई है तो मैं चप्पल भी सिलवाऊंगा। मेरी चप्पल टूट गई, कितनी किस्मत खराब है। तो गाइस हमारे सिब्बू डॉन गाड़ी चला रहे हैं, अब सर को हम बोल रहे हैं थोड़े धीरे चलाना। सर हमारी चप्पल टूट गई है तो आप थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, नहीं हम गिर जाएं, है ना। ठीक है गाइस, तो अब हम चलते हैं। बाकी अंधेरा तो कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, मतलब मैंने इतना सो लिया क्या यार, हैं सब दिन पड़े पड़े एक वीडियो बना ली। हाँ वीडियो इंस्टा पे दिखेगी, बाकी मना तो लिया। बाकी अब हम लोग जा रहे हैं तो देखो, मतलब यार यहाँ तो ठंड भी पड़ रही है और मतलब कितने 7 बज रहे हैं अभी और पूरा का पूरा ये शांत हो गया यार। ऐसा लग रहा है कि पूरा अशोकनगर ही शांत हो गया भैया, ये तो कुछ ज़्यादा हो गया यार। अशोकनगर तो कुछ ज़्यादा ही गंदा है। हाँ इससे अच्छा तो हमारे इंदौर है, कम से कम रात के 2 बजे तक तो चालू रहता है। अच्छा नहीं नहीं गाइस, हमारे शुभम सर बोल रहे हैं कि यहाँ भी चालू है, तो अब लोग आगे चलते हैं और देखते हैं फिर क्या चालू है कि नहीं है। तो गाइस शुभम सर की बात सही निकल चुकी है, यहाँ तो बहुत भीड़ है सही में ही, आगे बारात जा रही है पूरी की पूरी और हमारी घाण बनने वाली है। ये देखो आप, बारात बहनचोद की भी अभी जाना था, अब इतनी सारी भीड़ लगी, अब इसमें से कैसे जाएंगे हम। शुभम सर हॉर्न मार दो, किसी की घाण में मार दो। ये देखो गाइस, मेरे को समझ में नहीं आता ये इतनी पतली पतली गली में बारात लेके आते ही क्यों है, हैं कोई डांस भी नहीं कर रहा, बस ऐसे ही मटकते मटकते जा रहे हैं। गाना मस्त चल रहा, बाकी हमें लग रहा था कि बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं होगा, मैं तो सोच रहा था सब सो गए, पर यहाँ तो सारा ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ओ हो लड़की के बेस में लड़का, खड़ी यार अंकल, कैसे कैसे लोग हैं। हाँ भाई निकल गई भाई, यार भाई क्या गजब लड़की थी, मजा आ गया भाई देख के, चश्मा लगा के पिंक कलर की साड़ी में आए, हाय 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 इतना सुकून भाई। मतलब ये बताओ यार, अशोकनगर में इतनी प्यारी लड़की दिख गई मेरे को, आइटम है ये आइटम है, मतलब हमारे शिवम डॉन बोल रहे, बोला आइटम ही आइटम है। शिवम जरा ओ सरकार जा हो वाला ही सरकार की, तो पहले कहाँ जाना है अपन को, अंधेरा बहुत ज्यादा हो रहा है। शिवम डॉन मेरे से पूछ रहे पहले कहाँ जाना है। शिवम डॉन पहले हमारी चप्पल टूट चुकी है तो पहले चप्पल लगवाते हैं अपन, फिर चलते कहीं और, देखो आप कहीं चप्पल ढूंढने वाला मिल जाए तो मिल जाए, पुल के नीचे, पुल के नीचे चलना है तो पुल के नीचे चलो आप, फिर चलते हम लोग, फिर अपन को टी शर्ट फिटिंग करानी, पहले चप्पल सही करवाएंगे फिर टी शर्ट फिटिंग कराएंगे। तो चलो काश गाइस वो बारात मेरे को फिर से मिल जाए ना, तो मजे आ जाएंगे मेरे को, मेरे को बारात फिर से देखनी और नाचना है उसमें। मतलब यार वो लड़की भाई अभी तक याद आ रही मेरे को, इसी प्यारी लड़की, आए हाय घर वाले देखेंगे ना मेरे, सही में मारेंगे मेरे को। तो फिलहाल ये हम अशोकनगर के मेन बाजार में आ चुके हैं, जो कि यहाँ पे भी शाम हो चुकी है तो ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही है मेरे को, देखो
गाइस एक बात, अगर वो लड़की मेरे को फिर से दिखी ना तो इस बार मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, भैंस क्या फ्लैश ऑन करके वीडियो बनाऊंगा। मैं वीडियो नहीं बनाई थी मैंने, इस बार दिखी नहीं हो सही से तुम लोगों को, मैं पूरी दिखाऊंगा। मैंने पूरी देखी उसको भाई, देख के ट्रिप हो गया मैं, तुम लोग भी बोलोगे हाय क्या लड़की थी भाई, मजा आ गया। मतलब तो मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगा, मेरे भाइयों के साथ मैं ना इंसाफी नहीं करूंगा, बिल्कुल बराबर दिखाऊंगा। ओ पापा की परी, परियां जा रही हैं आगे गाइस, तो अब सिपुडोन ने आके निकाल लिए, ये तो पापा के साथ ही जा रही थी ये। ओ हो डॉन डॉन, अरे पापा ही परी, अरे भाई भाई मतलब पैर के ब्रेक यूज कर रही क्या? हाँ भाई साहब, अपन को दूसरी जगह जाना है, उसके पीछे नहीं जाना। बाय बाय परी। तो फिलहाल हम चलते इधर, हाँ पहले चप्पल जुड़वाएंगे शिवम डॉन, क्योंकि हमारी चप्पल की लग चुकी है बुरी तरीके से, तो पहले चप्पल जुड़वाते हैं। ये देखो गाइस, ये जो था इधर, ये मेन जो था वो था, मतलब क्या बोलते हैं इसको, मेन चौराहा जो अशोक नगर का है, एक मेन बात वही था ये। उधर से आते टाइम दिखा दूंगा, एक तो पता नहीं लाइट क्यों नहीं चल रही यहाँ पे, दादा मेरी शक्ल नहीं दिख रही, फ्लैश चालू करके देखना पड़ रहा मेरे को। ओहो भाई वरना उस पर लिखा क्या हुआ है देखो तो, प्रधान जी ले लो सब्जी, विंडे भिंडी ले लो भिंडे। अगर कोई मेरे को गाड़ी पे से देखेगा ना तो बोलेगा ये सही में भिंडी बेचने वाला है यार। यार शिवम वो कहाँ गया, कहाँ है भाई कहाँ है, चप्पल जोड़ने वाला कहाँ है, इधर मिल जाएगा। चलो गाइस अंधेरे में एक दद्दू बैठे हुए चप्पल जोड़ने वाले, तो हम उनके पास चलते, देखो मिल तो गए, और बहुत बुजुर्ग दद्दू है देखो, तो हम इनके पास आ तो चुके हैं, तो हम पहले चप्पल जुड़वाएंगे फिर चलेंगे। दद्दू ये टूट गई यार, कितनी देर लगेगी? हाँ बस ये यकीन लगनी, ठीक है। तो गाइस दद्दू ने बोला है कि बस 5-1 मिनट लगेंगे, दद्दू ने चप्पल उठा ली है मेरी। दद्दू चलेगी क्या? नहीं नहीं गरम कर रहा हूँ। अच्छा गरम कर रहे हैं, तो दद्दू बोले बोले थोड़ी सी गरम करेंगे इसको, बोले ये देखो आग लगी हुई यहाँ पे, इसको पहले थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो जल्दी लग जाएगी। दद्दू ये अंदर से करके लगाना है इसे। वो अंदर ही करेंगे भाई। तो गाइस दद्दू ने चप्पल जोड़ना चालू कर दिया, ये देखो लगा दी, बहुत तेजी सिल रहा है दद्दू मेरी चप्पल। दद्दू पे टूटेगी तो नहीं दोबारा? मतलब एंड टाइम पे आके मेरी हालत ख़राब हो गई यार, मेरी चप्पल टूट गई तो बुरा हुआ ना मेरे साथ में। कोई ना दद्दू अब सिल देंगे तो फिर सही हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं, अपन सिलवा लेते हैं इसको तो सही रहेगी वो। तो गाइस मेरी चप्पल तो जुड़ चुकी है, अंकल ने मेरी चप्पल जोड़ दिया और 10 रुपये लिए हैं यहाँ पे, तो अच्छा काम। वहाँ तो भाई वो बिक्कू की चप्पल जुड़वाई थी हमने ट्रेन में, याद है लास्ट टाइम, तो बहुत टाइम लगा था। चले बिक्रो शुभम डॉन चले, मैंने अब मेरी चप्पल तो जुड़वाई ली है, अब चलते हैं हम लोग हमारी टी शर्ट और वो फिटिंग कराने के लिए, चलते हैं लेट्स गो। हमको ब्रिज के ऊपर से, अच्छा नीचे से निकल जाएंगे ना अपन, तो हम लोग अब मतलब ऊपर जाने की वजह टनल से जाएंगे, क्योंकि टनल पास में है, तो टनल में से चलते हैं, देखते हैं थोड़े से टनल के मजे। चलो भाई साहब गाड़ी चालू नहीं हो रही क्या, एक बार और घुमाओ, दबा के घुमाओ उधर यार, ये हमारे शिवम डॉन से भी गाड़ी चालू नहीं हो रही यार। चाबी तो लॉक, तो चाबी चालू करो पहले। चाबी चालू है, चाबी चालू है, तो इसको ऐसे करते हैं, वही तो कर रहा है यार। क्या यार तुमको गाड़ी चालू करनी नहीं आती यार, मतलब एक बात ये है कि बच्चों के हाथ में अगर कोई नई चीज पकड़ा दो तो बच्चों को चालू करना नहीं आती बेचारों को। मतलब यार शिवम डॉन हमारे बेचारे कंफ्यूज हो गए, अब चलो 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 शिवम डॉन। आज हमारा सिर्फ ये काम है कि हम बहुत ज्यादा कबाड़ी है, तो हमारी जितनी भी सारी चीजें हैं उनको सही कराएंगे आज हम। ये देखो टनल, बाकी यार आज का दिन तो मेरा बन गया वो भाभी को देख के, मतलब वो लड़की को देख के जो भी थी वो, क्योंकि वो तो भाई बहुत सुंदर थी, चश्मा वश्मा लगा के बढ़िया डांस कर रही थी, क्यों शुभम डॉन सुंदर थी ना? अरे एक नंबर। अरे भाई 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 ये देखो, ये मेरा कजिन है साला, वो मेरे सामने बोलता लड़की को एक नंबर, कैसा कैसे 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 भाई पाल रखे मैंने है। गाइस मेरे को लगा था यार कि यहाँ मतलब बिल्कुल भी ट्रैफिक या कुछ नहीं होगा, क्योंकि रात में टाइम ऐसा हो गया, मेरे गलियों में देख के ऐसा लग रहा था कि कोई है ही नहीं, सब सो गए, बट यार यहाँ पे देखो इतने सारे ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को, देखो साले ट्रैफिक ही ट्रैफिक नज़र आ रहा है भैंचो, मतलब ऐसे लोगों जा कहाँ रहे हैं यहाँ से। बाकी आज अगर मेरे घर वालों ने ये ब्लॉग देख लिया ना बहुत मारेंगे मेरे कुत्ता सरी का, इतनी सारी गालियाँ ही गालियाँ दे रहा हूँ मैं इसमें, क्या करूँ यार, निकल जाती है वो घर वालों को पता नहीं है। चलो चलो भाई साहब, अरे मोटी ये भी मेरी गलती है।
हेलो गाइस, दो भैया के पास आ ही चुके हैं हम लोग। ये रही शॉप, ये भैया खुद टी शर्ट बनाते हैं और फिटिंग वगैरह भी करते हैं। तो सुम डाउन, आप गाड़ी लगाओ। गाइस मैं भैया के इधर आ चुका हूँ। भैया को मैंने टी शर्ट दे दी। भैया ये देखो देखो भैया पूरी साइज़ की मतलब कर रहे हैं। एक लोवर तो मेरा हेल्टी हो गया, भैया ने बोल दिया फेंक दो इसको, तो मैं फेंक ही दूंगा अब उसको। तो भैया की शॉप देखो, बाकी आप भैया खुद टी शर्ट बनाते हैं, लोअर अपर सब कुछ बनाते हैं। भैया आपके पास, आपको बनवाना है कुछ अशोक नगर में तो भैया के पास आ जाना, बिल्कुल आपकी फिटिंग के और सारी चीज़ें भैया बिल्कुल बना के देंगे। भैया के पास सारी सारी चीज़ें हैं। भैया सारे कपड़े बना देते हो भैया? सब बना देते हैं भैया, बिल्कुल सारी चीज़ें बना देंगे और आपकी फिटिंग के बनाएंगे। और एक टी शर्ट मैंने भी बनवाई थी भैया से, जो कि अभी तक मेरे पास ऐसी की ऐसी रखी हुई है जिसका कलर तक नहीं गया है। तो भैया के कपड़े की क्वालिटी भी अच्छी है और बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी होती है। तो आपको, आप आ जाना, यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, बाहर से मैं आपको नाम दिखा दूंगा बाद में और लोकेशन भी दिखा दूंगा कि कहाँ पे आना है। तो आप लोग आ जाना यहाँ पे, भैया से बनवा लेना। भैया पहले मेरे लोवर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, बट भैया मान गए। भैया ने थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर ली है, भैया ने मेरे लिए और क्या बोल सकते हैं। तो ये देखो भैया अब मेरे लोवर कर रहे हैं। बाकी भैया को मैं दिल से थैंक यू बोलूँगा क्योंकि भैया ने मेरे लिए अलग से मेहनत की और लोवर को फिर से करा, क्योंकि लोवर में जो साइड पॉकेट थी वो ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसमें अंदर मशीन जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो अपन को समझ में नहीं आता बट भैया को आता है। पर फिर भी भैया मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, तो भैया दिल से थैंक यू आपको, आपने मेरे लिए मेहनत की। भैया ने मेरे लोवर भी सही कर दिया और टी शर्ट वगैरह भी सही कर दी और अब लोग जा रहे हैं घर, या फिर रास्ते में समोसे लेते हुए घर जाएंगे। बाकी भैया की शॉप का नाम देख लो आप, ये रहा महाकाल कलेक्शन जो भी है। और ये इधर से यहाँ पे एक ब्रिज है, मेन जो ब्रिज है मेन मार्केट में, उससे उतरते हुए सामने आते हैं ना, तो ये यहाँ पे भैया की साइड में शॉप है, ये रहा नाम, आप ये देख के आ जाओगे तो आपको मिल जाएगी। चलते हम लोग घर समोसे लेते हुए, क्योंकि समोसे अब अशोक नगर आए तो समोसे तो खा के जाएंगे ना। तो फिलहाल चलते हम लोग अशोक नगर में समोसे खाते खाते। ये भी नहीं दिख रहा है। हाँ है, है, है। चलो गाइस मिल गए समोसे। भैया 10 समोसे पैक करते हैं। चलो गाइस मेरी किस्मत अच्छी है, बस ये मे भी लस्सी है या फिर और भी होंगे भैया के पास अंदर। तो हाँ याद आया, इसके अलावा एक मीठे समोसे आते हैं वो भी लेने हैं, तो वो भी लेंगे और फिर घर चलेंगे। क्या यार, मतलब बुलेट को बंद कर ली यार बंदे ने, मैं कैसे कैसे लोग हैं यार, मतलब चलती नहीं है चलाती नहीं है, बीच में बंद कर ली उसने। चलो है गाइस, चलो चलो मिल गया मिल गया। एक तो वहाँ पे बंद था बट ये एक मिल गया मेरे को, यहाँ से मीठे समोसे लेने हैं। तो मैं अभी मीठे समोसे लेता हूँ इनसे, भैया से, और फिर चलते हैं हम लोग घर। भैया 5 मीठे समोसे। गाइस मैंने मीठे समोसे भी ले लिए हैं और वो बारात मेरे को यही दिखी थी, जो लड़की अच्छी खासी थी वो यही दिखी थी मेरे को। अब हम लोग जा रहे हैं घर, समोसे खाएंगे, सोएंगे और मजे करेंगे, क्योंकि हमारे जो सिप्पी डॉन का प्रैक्टिकल था जिसके लिए हम आज आए थे वो तो आज हुआ नहीं है। भैया को आज सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, तो अब हम लोग आज तो यहीं रुकेंगे, कल घर जाएंगे। तो आज और यहीं रुकते हैं, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए जय सियाराम।